हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दितिमन। बच्चों, मैं हूं अरुण सिंह। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और आज हम बात करेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 पर्यावरण के बारे में। तो हमने अभी तक क्लास 6 कंप्लीट कर ली है। क्लास 6 के नोट्स भी आप साथ के साथ बनाते चलिए और आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की। तो उठाइए पेन और हो जाइए स्टार्ट, क्योंकि बार बार इन चैप्टर्स को पढ़ना अपना टाइम खराब करना है। अगर आप कम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि ज़्यादा टाइम खराब होता है इन चैप्टर्स को पढ़ने में, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चनिंग होती है वो बहुत कम निकलती हैं। तो इसलिए आपको चैप्टर बार बार ना पढ़ना पड़े, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इनके नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल में निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपनी शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। पर्यावरण क्या होगा? जो आप अपने आसपास देखते हो वो सब क्या है? वो आपका पर्यावरण है। यानी चाहे वो आपका प्राकृतिक हो, जैसे कि स्थलमंडल, वायुमंडल, ये सब, या फिर आपके आसपास लोग, या फिर आपके आसपास वस्तुएं, वो सब किस में आता है? वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरा दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। साइड बॉक्स देख लेते हैं। पर पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा, ये सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। देखो, तो इस पेज पर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने जो इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ी, एक तो क्या, पर्यावरण इम्पोर्टेंट। इसलिए देखो, पर्यावरण एक वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल सा एक शब्द है, लेकिन जब बात की जाए किसी स्टडी मटेरियल के तौर पे, तो पर्यावरण की डेफिनेशन हमें समझ में आनी चाहिए। पर्यावरण क्या है? आपके आसपास जो भी जीवित और अजीवित जो भी चीजें हैं, निर्जीव और सजीव जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो मानव निर्मित हो, वो सभी किस में आता है? वो पर्यावरण में आता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक छोटा सा डायग्राम दिया है जहां पर्यावरण के घटक दिए गए हैं। तो ये मानव निर्मित भी है और गैर मानव यानी प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक में आपका कैसे आ गया? एक तो आपका स्थल मंडल आ गया, आपका वायुमंडल आ गया, आपका जल मंडल आ गया, आपका जैव मंडल आ गया सजीवों के द्वारा। ठीक है, अब जैव मंडल क्या होता है? देखो, जैव मंडल बहुत बार पूछ लिया जाता है और अक्सर इस चीज के बारे में बहुत कई बार हम गलत बोल देते हैं। जैव मंडल क्या है? जहां पर वायु, जल और स्थल तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है और जिसके आधार पर जीवन पनपता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मानव निर्मित घटकों की बात करें तो आपकी इमारतें हो गई, आपके जो हैं पार्क हो गए, आपके पुल हो गए, आपकी सड़कें हो गई, इमारतें हो गई, उद्योग हो गए,
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मानव के द्वारा निर्मित घटक हैं पर्यावरण के। फिर क्या केवल इतना ही है? नहीं, हमारे आसपास हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हम स्वयं एक पर्यावरण का हिस्सा ही तो हैं। परिवार जो है, समुदाय है, हमारे धर्म से संबंधित बहुत सारे कभी मंदिर मस्जिद ये सब बनाते हैं, ये भी क्या है? ये घटक ही तो हैं हमारे पर्यावरण के। हम शैक्षिक वातावरण में रहते हैं, हम आर्थिक स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, राजनीतिक स्थिति क्या है, ये सभी क्या है? ये हमारे पर्यावरण के घटक हैं। और पर्यावरण के घटक कुछ मानव निर्मित होते हैं, कुछ मानव के लिए होते हैं और कुछ प्राकृतिक तौर पे होते हैं। ठीक है, तो ये सभी किसका निर्माण करते हैं? ये आपके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाया जाने वाला, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, लोग, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीवित में क्या आएगा? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप, जंतु, ये भी तो आएंगे इसमें। निर्जीव पदार्थों में क्या आएगा? आपका निर्जीव, जो आपके आसपास संसार है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक और अप्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं, ये आपके अजीवीय उसमें आती हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसकी शब्द शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से हुई है। किस शब्द से हुई है? तो एनवायरोनेर, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। हमने देखा था स्थल मंडल क्या है, जो भूमि क्षेत्र है। जल मंडल जल राशि के द्वारा बनता है, वायुमंडल वायु के द्वारा बनता है, जैव मंडल तीनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न जीवन की वजह से जैव मंडल कहा जाता है। अब इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस, पर्पटी, कठोर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज क्षमता का भी एक स्रोत है। बॉक्स को देख लेते हैं साइड के। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार होता है उसकी सूची बनाइए। दूसरा है, आयो कुछ करके सीखे में क्या है? अपने घर या स्कूल में आप जो पानी का उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारी दैनिक जीवन में पानी की विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? तो इसके बारे में आप देखिएगा। फिर यहाँ पे आपका जल मंडल, जहाँ पे देखो पानी के स्रोत दिखाई दे रहे हैं, जैव मंडल जहाँ पे जीवन, और यहाँ पे तीनों मंडलों का एक प्रकार से सम्मिश्रण है। ये स्थल मंडल है और ये आपका वायुमंडल है। तो सभी का अपना अपना योगदान है। आगे देखिए, जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। ये जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है ना? और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। साइड बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा है। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि है। तो ये आपके वातावरण के संबंध में बताएगा कि आपका वहां का वातावरण। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पारितंत्र और पारितंत्र से क्वेश्चन। देखो, वायुमंडल सबसे और पारितंत्र सबसे, दोनों से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको ध्यान रखिएगा। पारितंत्र है क्या? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अब परितंत्र का मतलब क्या हुआ? देखो, मान लीजिए एक भंवरा है, ठीक है? भंवरा आप जानते हैं, कीट जो आपके फूलों के ऊपर रस से अपने जीवन व्यापन करता है, ठीक है? अब वो कहाँ रहता है? वो आपके एक छोटे से बाग में रहता है। उस बाग में फूल भी हैं, उस बाग में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, उस बाग में उसको भंवरे को भक्षण करने वाले जीव भी रहते हैं, और ऐसे जीव भी हैं जिनके लिए भंवरा खतरा है। तो ऐसी स्थितियों में तो ये सब उसका क्या है? परितंत्र है, भंवरे का परितंत्र है। उस परितंत्र में वो अपना भोजन भी तलाशता है ना? वो अपना जीवन यापन भी करता है और अपने जीवन की अनन्य क्रिया भी करता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपना पूरा जीवन कहाँ निकालता है? परितंत्र में, अपने बाग के अंदर निकालता है, और उसमें वो अपना खाना पीना जीवन मरण सारे काम जो होते हैं वो उसके उसी क्षेत्र में होते हैं। तो वो भंवरे का परितंत्र है। उसमें उसने क्या किया? उसने अपना आना जाना दैनिक क्रियाएं की, रासायनिक कारक, उसने खाना भी वहीं खाया है ना, और खाना खाया तो निश्चित रूप से कहीं किसी से तो लिया होगा। किससे लिया? फूलों से लिया, तो फूलों से ऊर्जा ली, पदार्थों का स्थानांतरण हुआ। तो ये सब क्या है? जहां से कोई जीव एक दूसरे से क्रियाएं करता है, वह चाहे वो भोजन प्राप्ति के संबंध में हो या भोजन देने के संबंध में हो। तो ये सब क्या है? ये एक परितंत्र का हिस्सा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कई प्रकार की गैस, धूल, कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मानव मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादव एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। पादव एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको विशेष तौर पर समझना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस जो शब्द है जैवमंडल, इसका डायरेक्टली उपयोग करते हैं। और उस वक्त आपको समझना चाहिए कि वहां पर कोई एक चीज नहीं है, वहां पर स्थल, जल और वायु वायु तीनों का सम्मिश्रण होता है, जिसके आधार पर, जिनके बैलेंस के आधार पर जैवमंडल पनपता है, जीवन पनपता है, और उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जीव मंडल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखें, परितंत्र क्या है इसके बारे में हम देख चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार वर्षा होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाली हीरा ने आश्चर्य से पूछा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक है, आगे देखिए। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वो ही क्या है? पारितंत्र है, ठीक है। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाएगा? आपका परितंत्र का निर्माण करता है। जैसे अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। और इसी संबंध में मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था वो एक बाग का दिया था। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो लाइन है जो आपके क्वेश्चनों में आती है डायरेक्टली, आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में बात करते हैं।
तो वस्तु विनिमय पद्धति की बात करें तो ये है क्या? देखो, पहले जमाने में रुपये तो होते नहीं थे, तो कोई गेहूं बोता था, कोई चावल बोता था, कोई कुछ अन्य चीजें बोता था, कोई अपनी सेवाएं देता था, तो वो इसी आधार पर अपना आ, आ, काम चलाते थे। मान लीजिए किसी को सब्जी लेके आनी है और उसके पास गेहूं है, तो वो क्या 5 किलो गेहूं के बदले 5 किलो सब्जी ले आया। ठीक है, इस तरीके से वस्तु विनिमय पद्धति चलती थी पहले। लेकिन अब क्या हो गया, हमारी गवर्नमेंट ने एक मनी जारी कर दी जिसके आधार पर हम देते हैं कि भैया ये 5 रुपये लो और इसका सामान दे दो, ये 100 रुपये लो इसका सामान दे दो। तो ये सब क्या है, जो पहले, अब जो धनराशि के द्वारा होता है वो पहले क्या था, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। ये क्या है, वस्तु विनिमय पद्धति थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसमें फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पन्न उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भू दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। साइड बॉक्स में देख लेते हैं क्या है, अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के खेल जाने वाले खेल कौन से थे, उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारी को दीवार, बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। तो बच्चों, आपका होता है यहीं पे चैप्टर समाप्त। अब कर लेते हैं कुछ अभ्यास प्रश्नों की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं परितंत्र क्या है। तो परितंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, व्यक्ति का या मानव का या किसी जीव का, ठीक है, इसको जीव कहना ज्यादा ठीक रहेगा, किसी जीव का, सॉरी, किसी जीव का परस्पर या फिर अपने पर्यावरण के साथ जो संबंध है, और वो संबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है ना, या क्रियाएं हैं, वो सब क्या है, वो उसका पारितंत्र है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्रकृति के द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है, जो हमारे आसपास है, जो जल है, वायु है, मन और स्थल है, ये सब क्या है, प्रकृति के घटक हैं और ये प्राकृतिक पर्यावरण से मिलते हैं। कोई जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब क्या हैं, ये प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? प्रमुख घटकों की बात की जाए तो वायु है, स्थल है आपका, और जल है, और आपके जीव जंतु हैं, ये सब क्या हैं, ये आपके प्राकृतिक घटक हैं जो मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव, आपकी सड़क निर्माण हो गई, इमारतें हो गई, आपके उद्योग हो गए, ठीक है, आपके जैसे तालाब या पोखर जो मानव निर्मित होते हैं वो हो गए, है ना, ये सब क्या है, ये मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण। स्थल मंडल क्या है? आपकी पृथ्वी के ऊपर जो भू परपटी है, जो चट्टानीय भाग है, वो क्या है, वो आपका स्थलीय मंडल है, स्थल मंडल है ना। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? आपके पशु पक्षी है ना, और कीट पतंगे, ठीक
ये सब क्या है? ये आपके जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं। जैवमंडल क्या है? तो जैवमंडल मैंने आपको विशेष तौर पे बताया था, जल, वायु और स्थल। जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, इन तीनों का सम्मिश्रण से जो जीवन पनपता है वो क्या है, से जो जीवन बनता है उसी स्थान को क्या बोलते हैं? जैवमंडल के नाम से हम जानते हैं, जैवमंडल के नाम से हम जानते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? अब परितंत्र के बारे में आपको पता है क्या होता है? देखो, मरुस्थल हम बना नहीं सकते, वन हम बना नहीं सकते, ताल हम बनाते हैं, तो ताल एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है क्योंकि एक मानव निर्मित है ना। वन की तो परिभाषा ही ये है कि वन क्या है, जहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो मानव द्वारा उत्पन्न ना हो, वो ही तो वन बनाता है। तो वन तो है ही नहीं, मरुस्थल हमने बनाया ही नहीं, तो बना क्या? ताल। ठीक है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? खैर, प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, भाई स्थल तो है क्योंकि हम स्थल पे रहते हैं। धर्म बिल्कुल है, समुदाय बिल्कुल है, लेकिन इसने पूछा क्या? मानवीय पर्यावरण का घटक। क्या मानव के बीच में धर्म की बात होती है? हाँ बिल्कुल होती है, परस्पर की बात कह रहे हैं, है ना। समुदाय, हाँ बिल्कुल मानवों का भी समुदाय होता है, लेकिन क्या स्थल जो है वो मानव का है? नहीं, वो एक प्राकृतिक घटक है, इसलिए क्या है, ये मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, इसमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित पर्यावरण, पहाड़ हमने नहीं बनाए, समुद्र हमने नहीं बनाए, लेकिन सड़क हमने बनाई, तो ये कौन सा है? मानव निर्मित पर्यावरण है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि बिल्कुल खतरा नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत अनुकूल है। जनसंख्या वृद्धि, हाँ निश्चित रूप से ये हमारे लिए खतरा है। फसल वृद्धि भी हमारे लिए कोई विशेष खतरा नहीं है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जैवमंडल क्या है? जैवमंडल आपके ये रहा वह संकीर्ण छेद जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो वो क्या हो गया आपका? जैवमंडल हो गया। वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है। जलमंडल आपकी जलीय क्षेत्र है, और पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास वाला क्षेत्र है ना। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, हाँ बिल्कुल करता है, उससे वो विभिन्न प्रकार के चीजें बनाता है, अपनी आवश्यकता की चीजें निर्मित करता है, जिससे वहां पे चीजें बदलती रहती हैं, उसका पर्यावरण परिवर्तित होता रहता है। मान लीजिए उसने किसी बाग को उठा के, किसी मैदान को उठा के वहां पे इमारतें बना दी, वहां हटाकर वहां उसने सड़कें बना दी, तो ये सब पर्यावरण में परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, बिल्कुल हैं। अब कोई जैसे जंगल की बात करें तो हिरण को क्या खा जाता है? बाघ खा जाता है, टाइगर खा जाता है ना। और इसी तरीके से हिरण किसको खाता है? घास को खा जाता है, तो ये एक दूसरे पर निर्भरता ही तो है ना। तो जीव जंतु एक दूसरे पर, पौधे हैं एवं जीव जंतु एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ होता है आपका ये चैप्टर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।